बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाश ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर भागने के दौरान भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर सिंगौल थाना पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्तल, खोखा और क्षतिग्रस्त बाइक बरामद की है। दरअसल सिंगौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव निवासी सुबोध शाह और मचहा गांव निवासी जयशंकर सिंह के बीच जमीन पर रास्ते को लेकर विवाद था। इसी रास्ते विवाद में जयशंकर सिंह सुबह सुबोध शाह के घर पहुंच उसकी पत्नी नीतू देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सिंगौल थाना पुलिस मौके पर पहुंच दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। ये रास्ता के लिए हुआ था, रास्ता हम देने के लिए तैयार थे, मतलब लिखे नहीं, बोले नहीं लिखेंगे नहीं, इसी कारण गोली चला गया मेरी मम्मी के मुंह में। हमारा गाय सुबह में खुल गया था तो गाय पकड़ रहे थे पापा भी, हम और पापा गाय पकड़ थे, गाय थोड़ा कचरा है, गाय पकड़ने में मारता था तो गाय पकड़ रहे थे, तब तक मेरी मम्मी बोली मार दल के बस एक ही बात बोली मार दल के बस। बस हम उधर दौड़े गए पापा के, पापा मम्मी गोली मारे थे, पापा हमें सब पकड़ने थे, वो भाग गया था। Thank you.